बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाजिर हाँ, जसमीत सिंह पाटिया जी लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ साढ़े नाल मौजूद ने। अज फिर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के उत्ते गल करांगे। 2015 तो बाद जिन्हां विद्यार्थियों ने 2015 तो बाद या तो गैप है या जिन्हां दे रिफ्यूजल है, वो किवें हुण कनेडा का वीज़ा आसानी नाल लै सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्यूजल्स भी बहुत ने। 2015 तो बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के एजुकेशन गैप है, वो स्टूडेंट हुण किहड़ियां गल्लां का ख्याल रखण, क्योंकि कनेडा इस वक्त वीज़ा देण दे विच बहुत ज़्यादा लीनियंट सानू महसूस हो रहा है। बहुत तेज़ी दे नाल रिफ्यूज़ केसिस दे वीज़ा आ रहे हैं, गैप वाले स्टूडेंट्स दे वीज़ा आ रहे हैं, पर उहदे लई तुहाडी एलिजिबिलिटी किवें बनती है ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जसमीत पाटिया जी के नाल इसे टॉपिक पर गल करांगे, लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, 2015 तो बाद वाले साढ़े बहुत सारे स्टूडेंट ने, 2015 तो बाद 2016, 2017, 2018, 2019 ये सारे विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 की है, हुण उन्होंने लिए ईजी वे किहड़ा है, भावें रिफ्यूजल तो बाद भावें गैप तो बाद, कि वह अपना रिजल्ट पॉजिटिव लै सकन कनेडा तो। सो चाहे वह 2015 चाहे 16 चाहे 17 चाहे 18 चाहे तुसी प्लस टू की है या तुसी ग्रैजुएशन की है, सो मेरी सारों ये गाइडेंस हैगी है कि देखो आप जो गैप ज़्यादा हो जाता, जिवें आप पहले भी गल की है कि जिन्हां दे गैप ज़्यादा है की करन, सो जो तुहाडा गैप ज़्यादा हो जाता, मेरी उन्होंने सारे स्टूडेंट्स नूं एडवाइस हैगी कि आप यूनीवर्सिटी चूज़ करिए, क्योंकि यूनीवर्सिटी में फिर वीज़ा सक्सैस रेट बैटर रहेगा। सो नॉर्मली अलगोमा यूनीवर्सिटी की असं गल कर लें, तो अलगोमा यूनीवर्सिटी से 3-3 साल बैचलर डिग्रीज है, सो एक साल एक पासे देखिए कि आप 3 साल के एडवांस डिप्लोमा भी करन जाते हैं बच्चे, सो एक पासे आप 3 साल बैचलर डिग्री भी लै सकते हैं अलगोमा यूनीवर्सिटी तो। मेरी सारों ही यही एडवाइस है, जेडे भी स्टूडेंट्स के गैप बढ़ गए हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हैगी है 2015 तो बाद या 18 तो बाद या 19 तो बाद भी, क्योंकि 19 भी असं गल करिए 4 साल का गैप हो गया, और 19 वाले भी बहुत सारे बच्चे है जिन्होंने हले कोई भी की कहें अप्लाई नहीं किया, हले सोचते ही पे हैं कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। सो उन्हां सारे स्टूडेंट्स नूं मेरी एडवाइस है कि तुसी जरूर अप्लाई कर सकते हो, बट आप यूनिवर्सिटी च अप्लाई करिए बैटर रहेगा, और जे तुसी ग्रैजुएट भी हैगे हो या मास्टर्स भी हैगे हो और गैप ज़्यादा या एक्सपीरियंस ज़्यादा हैगा तुसी भी यूनिवर्सिटी च अप्लाई करोगे तो आउटकम बहुत ही वधिया रहेगा। तुसी जे कोई भी काउंसलिंग लेना चाहते हो तुसी मेरे तो भी जूम ते काउंसलिंग लै सकते हो या साडी टीम नाल भी जूम ते काउंसलिंग लै सकते हो, क्योंकि मैं देखिया कि ठंड के दिनों बच्चे थोड़े घरों घट निकलते हैं, तो करके असं जूम के राही भी बच्चों बहुत सारिया काउंसलिंग्स दे रहे हैं। और जो तुम साडे नीयरेस्ट ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो साडे वख वख जगह पर ऑफिस है, वडोदरा गुजरात च, चंडीगढ़, मोहाली, मोगा, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, जिथे भी तुहानू नीयरेस्ट ऑफिस मिलता तुसीं उत्थे विजिट कर सकते हो। इस तों इलावा जम्मू एंड जींद साडा ऑफिस है। जसमीत जी, जिवें तुसीं भी कह रहे हो कि डिप्लोमा और डिग्री च जदों उन्होंने एडमिशन लेनी है तो उहदा बेसिक डिफरेंस उन्होंने समझने की जरूरत है। जे असीं गल करिए तो क्योंकि गैप भी है स्टूडेंट्स मल्टीपल रिफ्यूजल वाले भी है, सो डिग्री च जदों एडमिशन लेंदे ने तो की ये प्रभाव जांदा है कि स्टूडेंट बहुत सीरीयस है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, या डिप्लोमे च ये प्रभाव जांदा है? बिल्कुल सी, देखो पहली गल तो फ्यूचर जिहड़ा हैगा वो डिग्री का ही हैगा, आने वाले 2 सालों च या शायद जल्दी भी हो सकता है कि कैनेडा सरकार भी कहे कि जिहड़े भी बच्चे इत्थे आ रहे हैं वो बैचलर डिग्री करन, क्योंकि फ्यूचर यही है बैचलर डिग्री वाला। सो असी भी देखिए कि जो बच्चा बैचलर डिग्री च अप्लाई करता है उसका वीज़ा सक्सैस रेट बैटर रहा है, थोड़ा जहा बैटर तो जरूर रहा है। सपोज जो असी गल करिए कि 80% है डिप्लोमा च, तो बैचलर डिग्री 85 या 90% ही होएगा। सो जिन्हां दे गैप ज़्यादा होंगे अपनी पढ़ाई च, जो डिप्लोमा च पहली गल तो 5 साल तो उत्ते गैप वाले स्टूडेंट नूं कोई भी सरकारी कॉलेज ऑफर लैटर नहीं दिंदा, बहुत ही घट्ट कॉलेजेस है जेडे उन्होंने ऑफर लैटर देंगे हैं। सो जो थोड़ा गैप हैगा तो चॉइस ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ही चुनिंदा कॉलेजेस की पैंती है, और जो अपना गैप हैगा तो उस तो बाद अपना की कहें गैप तो बावजूद आप जो यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं बैचलर डिग्री अप्लाई करते हैं तो वीज़ा सक्सैस रेट ज़्यादा होने के चांसिस जरूर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सो वीज़ा चांसिस ज़्यादा होने जे ज़्यादा सक्सैस रेट हाई होने के चांसिस आ जोड़े वो जरूर रहेंगे ने। सो मैं लगता है कि सारे विद्यार्थियों निश्चिंत हो के हुण इहदे बारे सोचना चाहिए। जसमीत जी, हुण जिन्हां दा 2015 तो बाद दा गैप है या मल्टीपल रिफ्यूजल वाले ने, उन्हां दा फोकस तुसीं किधर कराओगे, मई इनटेक कराओगे या सप्टेंबर इनटेक कराओगे?
सो राइट नाउ मई इनटेक च बहुत ही चुनिंदा सीट्स अवेलेबल हैगी हैं। जिहड़े स्टूडेंट मई जाना चाहते हैं उन्होंने मेरी एडवाइस है कि मई इनटेक इज़ गोइंग टू बी ओवर वेरी वेरी सून। सिर्फ जनवरी जनवरी से कुछ ही चुनिंदा सीटा ओपन रहनगियां मई इनटेक दियां। हले सू कॉलेज ने काफ़ी सारिया सीटा ओपन कीतियां। जे तुसीं सू कॉलेज अपलाई करना चाहते हो तो जल्द तो जल्द अपलाई कर लो। और इस तो अलावा भी मई इनटेक दियां सीटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगियां और उस तो बाद अपने को सितंबर 23 ही बचेगा। सो जिहड़े भी स्टूडेंट हैगे जे तुसीं मई जाना चाहते हो तो यही 10-15 दिन बचे हैं जब तुम मई इनटेक अपलाई कर सकते हो। उस तो बाद जुलाई इनटेक हैगा यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट का और फिर सितंबर इनटेक मोस्टली सारे कॉलेजेस का हैगा ही हैगा। हले भी काफ़ी सारे कॉलेज सितंबर इनटेक के लिए भी बहुत जल्दी सीटा भर रही हैं। सो जल्द तो जल्द तुम जल्द तो जल्द अपलाई करो किसी भी इनटेक से जाना चाहते हो। बिल्कुल ठीक है जी। सो 90413-90412 इको नंबर है। इस नंबर के जरिए तुम जसमीत जी के संपर्क कर सकते हो। एवरीडे 3:30 लाइव शो है। लाइव शो भी तुसी कॉल कर सकते हो और पर्सनली अपॉइंटमेंट बना के तुसी मिल सकते हो। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।